SRCC 35 लाख पर एनम, हिंदू कॉलेज 36.5 लाख पर एनम, LSR 44 लाख पर एनम। क्लास 12 के बाद ना SRCC हिंदू, LSR, मिरांडा, किरोरीमल कॉलेज, वेंकटेश्वर, ये सारे कॉलेजेस मिल गए, लाइफ सेट है यार। इसके बाद तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, आज मैं आपको उस सच्चाई के बारे में बताता हूँ जो शायद यूट्यूबर में कोई भी यूट्यूबर ने इतना ट्रांसपेरेंटली नहीं कहा होगा। देखो यार, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, और मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन में ओपन करके रखा हूँ, वहाँ पर आप अपना ओपिनियन डाल सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3 साल जो मैंने बिताया है वो कैसा था, और साथ साथ मैं जब इतना साल से वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं जूनियर से कोई कनेक्ट करता हूँ, चाहे वो नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज हो SRCC हो, या फिर साउथ कैंपस के कोई भी कॉलेज क्यों ना हो, कालिंडी कॉलेज हो गया, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज क्यों ना हो गया, या फिर कोई भी कॉलेज क्यों ना हो गया साउथ कैंपस का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ स्पेसिफिकली साउथ कैंपस का, लेकिन कोई भी कॉलेज क्यों ना हो, मैं आपको पूरा कंसोलिडेट करके यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखेगा। और हाय गाइस, आई एम मुंजो शर्मा, ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैंने अपना प्लेसमेंट लेके बिजनेस एनालिस्ट एज जॉइन एज अ बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम, एंड नाउ आई एम वर्किंग इन डेलॉयट एज अ ग्लोबल बिजनेस टेक्निशियन। मैं आप लोग को पूरा जर्नी में, एडमिशन जर्नी में साथ दे रहा हूँ, जहाँ पे मैं प्रेफरेंस लिस्ट आप लोग को फ्री में बना के दूंगा, हर किसी को फ्री में बनेगा बिल्कुल आपके सामने। और एक था बहुत लोग ना 1,000, 2,000, 3,000 चार्ज करते हैं, मैं आपको बिल्कुल फ्री में बना के दूंगा। दूसरा, आपका जब तक एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं होता ना, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कॉलेज एक प्लेटफॉर्म है, एक कॉलेज ना आपको एक जरिया है, लेकिन असली आपको स्किल्स, इंटर्नशिप, बहुत ही सारी स्किल्स आप लोग कैसे सीखना है वो मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल आपके साथ में। आप लोग को इंटर्नशिप्स दिलाऊंगा, आपको नॉलेज शेयर करूंगा। तो आप लोग सही चैनल में क्लिक किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आपके साथ वैल्यूएबल कंटेंट मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। ये वर्थ हर एक सब्सक्राइब ना आपके लिए फ्री है, लेकिन मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन आप लोग वैल्यूएबल कंटेंट को सब्सक्राइब करिए, यही आपके साथ है। चलो आप आगे बढ़ते हैं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, एग्री करते हो और डिसएग्री करना। अब देखो यार, टॉप 10 कॉलेजेस को छोड़ दो ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बाकी जितना भी कॉलेजेस है ना, आप लोग एक चीज़ कॉमन सुनेंगे, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया यार। अब सबसे पहले तो आपका ये सवाल आना चाहिए कि क्या हमें कोर्स प्रायोरिटाइज करना चाहिए या फिर कॉलेज, बहुत होगा कन्फ्यूजन होगा। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कोर्स वर्सेज कॉलेज का। मान लो एक स्टूडेंट है जिसको BA इकोनॉमिक ऑनर्स करना है, साथ ही साथ उसको BCom ऑनर्स भी करना था, तो वो उसने सेकंड प्रेफरेंस में अपना डाल रखा था, लेकिन स्टार्टिंग से ही उसे BA इकोनॉमिक ऑनर्स में इंटरेस्ट है। अब मान लो BA इकोनॉमिक ऑनर्स उसे किरोरीमल कॉलेज में मिल रहा है या फिर कोई भी कॉलेज में मिल रहा है, और BCom ऑनर्स उसे SRCC में मिल रहा है, तो क्या चूज करना चाहिए? बहुत तो बोले कि यार SRCC मिल रहा है, SRCC चले जाओ। आंसर इज नो, प्यार किसी और से, शादी किसी और से, ये मत करना। लाइफ बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रूशियल है अभी का स्टेज में। जब आप लोग क्लास 12 में चूज़ किए थे ना साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वैसे ही अभी का टाइम है जब आप लोग कोर्स चूज़ कर रहे होगे, अपना BA इकोनॉमिक ऑनर्स चूज़ करो या BCom ऑनर्स। आई वुड सजेस्ट BA इकोनॉमिक ऑनर्स चूज़ करो, चाहे कॉलेज कोई भी ना हो। आप लोग को जब पढ़ाई कर रहे होगे ना, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए यार, अंदर से वो आग आना चाहिए कि आप लोग पढ़ोगे। BCom ऑनर्स का सब्जेक्ट कुछ अलग है, आप लोग कुछ और पढ़ोगे जिसका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इट डजंट मैटर एट ऑल कि आप लोग क्या कॉलेज में हो, आपका कोर्स मैटर करता है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन यू, योर स्किल्स, योर पैशन, योर इंटरेस्ट, दैट विल मैटर। तो आप लोग अभी के लिए कोर्स को ज़रूर से प्रायोरिटाइज करिएगा, क्योंकि 6 महीने के बाद ना मैंने ऐसा स्टूडेंट को देखा है SRCC का भी जो गिव अप कर दिया है, जिसका लाइफ में सिर्फ कॉलेज आता है। जीना और जिंदा होने में फ़र्क होता है, तो वो बस कॉलेज जा रहा है जिंदा होके, जी नहीं रहा है। तो प्लीज़ आप लोग कोर्स को प्रायोरिटाइज करिए, दैट मैटर्स। नेक्स्ट आता है कि आप लोग जब आप लोग कॉलेज में जाओगे, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डार्क रियलिटी, द डार्क रियलिटी इज कि आप लोग अपने क्लास में टॉप कर रहे होगे, सेकंड पोजीशन आ रहे होगे, फर्स्ट पोजीशन आ रहे होगे, या फिर अच्छा नंबर से पास कर रहे होगे, लेकिन जब आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको एक बैकलैश मिलता है। स्टार्टिंग के डेज में बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, बहुत लोगों का कॉम्पिटिशन झेल ही नहीं पाता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक प्रेशराइज्ड गेम है। दिस इज द रियलिटी। जब मैं SRCC में आया था ना, आई वॉज अ टॉपर, आई वॉज अ स्कूल टॉपर, बट जब मैं SRCC का क्लासरूम में बैठा, आई फेल्ट दैट आई एम अ नॉर्मल स्टूडेंट, आई कैन एवरेज स्टूडेंट जो 80% लिखा था, 70% आता है, ऐसे फील होने लगा था। ये आप लोग के साथ होगा, एंड दैट्स द रियलिटी। नेक्स्ट चीज आता है कि अगर देखो यार, कॉम्पिटिशन को आपको बीट करना है तो आपको ऑफ बीट जाना पड़ेगा। UGC ने ड्यूअल डिग्री करके रखा है, बहुत लोग अभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी ऑप्ट कर रहे होंगे CA, CS, CMA,
तो यहाँ पे आप लोग डुअल डिग्री कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन एडुकेशन कर सकते हैं। अब डुअल डिग्री क्या होता है, एक आप रेगुलर कॉलेज से करो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी रेगुलर कॉलेज से आप एक ऑनलाइन एडुकेशन कर लो, मान लो बी कॉम ऑनर्स कर लिए आप रेगुलर कॉलेज से, बीबीए कर ले ऑनलाइन एडुकेशन से, तो ये आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग को ऑनलाइन एडुकेशन का सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अनबाइज एंड फ्री है जो आपको सारा डिटेल देगा कॉलेज के बारे में, दैट इज कॉलेज विद्या। यहाँ पे आप लोग अपना यूजी पीजी या फिर स्किल कोर्सेज चूज कर सकते हैं। बेसिक डिटेल्स भरने के बाद आपको सारा डिटेल्स जो है एक सारे स्क्रीन पे दिख जाएगा। बेसिक डिटेल्स भरने के बाद आप लोग डायरेक्ट कॉलेज के ऑफिशियल से बात भी कर सकते हैं या फिर आप लोग कॉलेज विद्या के ऑडियो और वीडियो कंसल्टेशन आप लोग ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जो आपको एडमिशन से लेके प्लेसमेंट तक आपका सपोर्ट करेगा, आपका साथ देगा। यहाँ पे अगर आपको कोई भी कॉलेज से कंपेयर करना है तो आप लोग ऐड टू कंपेयर करके आप लोग कंपेयर कर सकते हो, कंपेरिजन देख सकते हो, फीस प्लेसमेंट 30 डिफरेंट पैरामीटर्स में। यहाँ पे अगर आपको कॉलेज जो है ईएमआई ऑप्शन नहीं देता है तो कॉलेज विद्या आपको ईएमआई ऑप्शन देगा खुद के बेसिस पे, तो आपके लिए बेहतरीन है। तो अगर आप मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के रखा है, वहां पे आपको करियर बूस्टर प्रोग्राम बस 6999 बिल्कुल फ्री मिल जाता है। जॉब्स एंड इंटर्नशिप का एक अलग से पोर्टल बना के रखा है जो आपको हेल्प करेगा इंटर्नशिप्स और जॉब्स में। और आप मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो करियर बूस्टर प्रोग्राम बस 6999 बिल्कुल आपके लिए फ्री मिल जाता है। यहाँ पे आपको सीवी सब्सिडी भी मिल जाएगा, साथ साथ आप मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे सब्सिडी चल रहा है जो आपको 10,000 तक का आपको सब्सिडी मिल जाएगा, आप लोग आराम से पढ़ सकोगे। तो ज्यादा कंपटीशन को बीट करने के लिए कॉलेज विद्या की वेबसाइट जरूर से चेकआउट करो, हर व्यूअर को बोलता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका दिल्ली। मानो या ना मानो, दिल्ली बहुत ज्यादा आपको पॉल्यूशन कर सकता है, पॉल्यूट कर सकता है। अब मैं एयर व वाटर ये सारे पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका इनर सेल्फ का बात कर रहा हूँ। क्लास 12 ना आप लोग जब पास करते हो तो आप एक गरम लोहा हो, आप लोग इतना गरम हो कि आपको जहाँ जिस तरीके से मड़ोरा जाए, जिस तरीके से आपको शेप किया जाए, आप लोग वो शेप ले लेते हो। एक एग्जांपल के बारे में बताऊँ, यहाँ पे मेरे जो फादर है उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि एक टोकरी में 12 मैंगोज को रख दिया जाए और सिर्फ एक खराब मैंगो को वो रख देंगे ना, तो 12 मैंगोज का वो ताकत नहीं होता कि वो एक को सही कर दे, लेकिन एक खराब मैंगो का ये ताकत होता है कि वो पूरा 12 आम को खराब कर दे। एनवायरमेंट मैटर्स। आई एन हाईली बिलीव, मैं सीरियसली इस स्टेटमेंट में बिलीव करता हूँ कि यू आर द एवरेज ऑफ 3 पीपल यू हैंग आउट विद। तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओ तो आपका एनवायरमेंट, आपका एंड फ्रेंड्स, आप लोग जिस तरीके से हैंग आउट कर रहे हो वो आपका एक अच्छा ग्रुप हो। मेक देखो यार, बहुत लोगों को मैंने देखा है खराब ग्रुप से ना, वो लोग अभी मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो स्कूल से पास आउट किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी आया रिहैबिलिटेशन सेंटर में बिकॉज ऑफ ड्रग्स ओवरडोज। मेक श्योर करिएगा कि दिस इज द रियलिटी। सो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग एनवायरनमेंट को, अपना फ्रेंड्स को बहुत अच्छे तरीके से चूज करो। बी पिकी, आप लोग का बहुत ज़्यादा पिकी होना चाहिए अपना फ्रेंड्स को चूज करने के लिए। और देखो मेरा भी बहुत, मैंने पिक्स किया था, बहुत ज़्यादा फिल्टर लगाया था तब जाके मैं अपना फ्रेंड्स बनाता हूँ, ऐसे मैं रैंडम कभी फ्रेंड्स नहीं बनाता। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अब देखो जब आप लोग एक क्लास 12 से पास आउट करेगा ना, आपका एक गर्म खून रहेगा, आप लोग सोचोगे कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, एक कॉमर्स स्टूडेंट CA भी कर लूँगा, CFA भी कर लूँगा, CMA भी कर लूँगा, CS भी कर लूँगा, सब एक साथ कर लूँगा। नो, मेक श्योर करिएगा कि आप लोग स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज में अचीवेबल टारगेट्स बनाओ। अचीवेबल टारगेट्स यानी कि आप लोग स्मॉल स्टेप्स लो, डोंट टेक बिग जंप्स एट ऑल। बहुत लोगों को मैंने देखा है ये गलती करते हुए कि वो CA में भी एनरोल कर लिया, CS में भी एनरोल कर लिया, CA में भी एनरोल कर लिया, CFA में भी एनरोल कर लिया और कहीं भी क्लियर नहीं हुआ, एट द एंड वो डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। नेक्स्ट आता है स्पेशली आप लोग गर्ल्स लोगों के लिए। देखो यार मैं रियलिटी बताता हूँ, एनवायरनमेंट दिल्ली का अब खराब है, ये सच्चाई है, डेटा हो लो, इन्फॉर्मेशन आप लोग कहीं से भी निकाल सकते हो, न्यूज़ देख लो, है हॉस्टल्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, डिस्क्रिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गर्ल्स लोग को एक्स्ट्रा सेफ्टी लेने की जरूरत पड़ता है। राइट हॉस्टल, राइट एरिया, मैं आप लोग का गाइड करूंगा, बॉयज़ लोगों के लिए भी, गर्ल्स लोगों के लिए भी। अगर आप लोग मेरे से जुड़े हो ना तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हर एक का सेफ्टी और एडमिशन मैं आप लोग को अपने हाथों से दूंगा। मेक श्योर करिएगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, बस सेफ्टी के लिए आप लोग मेक श्योर करिएगा कि राइट पीजी का पूरा इन्फॉर्मेशन, जो भी पीजी में आप लोग जा रहे हो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, ऐसा ना हो। देखो मैं रियलिटी बताता हूँ, आप लोग न्यूज़ में जाना, मिरंडा हाउस इज अ गर्ल्स कॉलेज, उसमें लोग बॉयज़ लोग घुस गए थे फेस्ट में, पुलिस ने मना भी किया था फिर भी घुस गए, इस तरह का कंडीशन होता है। तो आपका हॉस्टल, आपका पीजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टिप देता हूँ,
मेक श्योर करेगा कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा ट्राई करेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पीजी है गर्ल्स लोग के लिए बोल रहा हूँ उसमें आपको मिल जाए, या फिर कॉलेज का जो हॉस्टल्स है उसमें आपको मिल जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल खुद अपना बना के रखा है स्पेशली, तो आप लोग गूगल करेंगे या फिर मैं उसका पूरा एडमिशन प्रोसेस आपको समझा दूंगा। नाउ नेक्स्ट आता है आपका फूड एंड हेल्थ के बारे में। देखो और मैं रियलिटी बताता हूँ, जब मैं आया था ना दिल्ली, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था फूड को लेकर, साथ साथ पानी को लेकर भी दिक्कत आता है। रियलिटी बताता हूँ यार, साथ साथ बताता हूँ, पानी को लेकर मेरा इतना ज़्यादा दिक्कत आया था, मेरा तबीयत खराब हो गया था, मुझे घर वापस जाना पड़ा था क्योंकि मेरा हेल्थ उतना अच्छा नहीं था। आप लोग मेक श्योर करेगा कि आप लोग अपना बैकअप कुछ बना के रखे हैं, कोई रिलेटिव्स आसपास रहता है तो वो बेटर होगा, क्योंकि आप लोग अगर तबीयत खराब होता है ना, कोई आता नहीं है आपको देखने के लिए, सारे हॉस्टल के पीजी के वार्डन सब रह जाते हैं, आता है आपका दोस्त लोग, तो मेक श्योर करें अच्छे दोस्त बनाए। दूसरा, आप लोग खुद को अपना केयर करना चाहिए, आप अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो सके हो तो मतलब आप लोग खुद कर सकते हो। मैं इतना तबीयत खराब होने पर भी ना मैं खुद से डॉक्टर पे गया था अकेले, तो आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनो, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इतना पॉइंट्स मैंने बताया, बट क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको वर्थ लगता है? द आंसर इज यस। हाँ यार, ये वर्थ है, जितना आपने मेहनत कर रहे हैं ना ये वर्थ है। लेकिन एक चीज मैं रियलिटी बता दूं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं इस कॉलेज में आ जाऊं, एसएससी में मिल जाएगा तो आप लोग का जंग जो है वो खत्म हो जाएगा, नहीं, जंग खत्म नहीं होगा, जंग जो है वो अभी चालू हुई है। अब यहां पे पॉइंट क्या है, इतना ओवर हाइप्ड क्यों है दिल्ली यूनिवर्सिटी? आपको मैं रीजन बताता हूँ। सबसे पहले डाइवर्सिफाइड कॉलेज, यहाँ पे इतना डाइवर्सिफाइड कॉलेजेस है, इतने डाइवर्सिफाइड लोग आते हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया, यहाँ पे आप लोग को लोग मिलेंगे, आप लोग को नेटवर्क बनानी है। जितने आप लोग बात करोगे ना, अभी आप लोग एक छोटा सा क्लास में रह के, एक छोटा सा सिटी में रह के आपका माइंड उतना ही रहेगा, कुआं का मेंढक मत बनना। उसके बाद जब आप लोग नेटवर्किंग करोगे या आप लोग बात करोगे इंडिया के सारे लोगों से, इंडिया के टॉप स्टूडेंट से, तब आप लोग का कन्वर्सेशन डिफरेंट होगा। यहाँ का ना कन्वर्सेशन बहुत डिफरेंट होता है, मैं रियलिटी बताता हूँ। ऐसा स्थिति में ऐसा स्टूडेंट्स मैंने देखा है ना, जो फर्स्ट ईयर से बिजनेस करा रहा है, करोड़ों का उसने कमाया है बिजनेस से। तो मेक श्योर करें कि आप लोग नेटवर्क करो, आप लोग बात करो बहुत लोगों से। देखो यार, बात करने में और दोस्त बनाने में डिफरेंट होता है, यहाँ पे आप लोगों को डाइवर्सिफाइड पीपल मिल ही जाएंगे, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्थ इट है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे फीस, कोई भी फीस मैच नहीं कर पाता दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी निकालती है, मैं खुद एसएससी से स्कॉलरशिप में पढ़ा हूँ तो मुझे पता है सारी चीज़ें कि भाई स्कॉलरशिप कैसे लेते हैं। इसके लिए भी मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखनी है। अब देखो, क्लास 12 में ना आपको उतना पैशन के बारे में नहीं पता होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सोसाइटीज प्रोवाइड करती है। हर कॉलेज में डिफरेंट सोसाइटीज है, चाहे वो आर्ट्स आप लोग का आर्ट का हो, चाहे वो म्यूजिक का हो, डांस का हो, डिफरेंट स्टाइल्स का क्यों ना हो, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक आप लोग का, गेम्स क्यों ना हो, सारे चीज़ का सोसाइटीज आपको मिल जाएगा, डिबेटिंग आपका, कंसल्टिंग, सारी चीज़ सोसाइटीज मिलेगा। तो आपको पैशन अपना खुद का खोजने को एक मौका मिलता है, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्थ इट है यार, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको पैशन को खोजने में आपको हेल्प करेगा। अगर आप लोग एक बार पैशन में चल जाओगे ना, आपको पैशन पहचान लोगे ना, तो आप लोग इजीली बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलुमनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलुमनाई आपको हेल्प करता है कि अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, मान लो ऐसा जैसे से ग्रेजुएट हो, आपका एलुमनाई आपको सपोर्ट करेगा एक अच्छा करियर में, एक अच्छा जॉब के लिए। तो ऑफकोर्स यार, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहे हो तो आपको सपोर्ट मिलेगा एलुमनाई से भी। बस ना, मैं अभी भी एक ग्रुप में एडेड हूँ एलुमनाई एसोसिएशन करके एसएससी का, जहाँ पे हर बार आती है कि जॉब्स कौन सा है, कौन सा आप वैकेंसी निकला है, आप अप्लाई कर सकते हो उसमें, और पैकेज तो भाई आपको पता ही होगा एसएससी का कितना जाता है, 20-30 लाख आराम से आपको मिल जाएगा। अब प्लेसमेंट के बारे में बात कर ही रहा हूँ, तो प्लेसमेंट आपको यहाँ पे ज़बरदस्त मिलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आप लोग किस तरीके से प्लेसमेंट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, प्लेसमेंट आपको कैसे मिलेगा, अभी से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका नॉलेजेबल स्किल्स, इंटर्नशिप्स आप लोग कैसे कर रहे हो, आप लोग डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प कर रहे हो। लास्ट पॉइंट होता है आपका एकेडमिक्स क्या, तो एकेडमिक्स पे ज़्यादा आप लोग स्किल्स एक्वायर करने पे फोकस करना, ये सारी चीज़ पे ना मैं आपको हेल्प करूंगा। ऑफकोर्स आप लोग को मेरे साथ जुड़नी है। और देखो यार, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज, आपका MBA, आपका एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा बूस्टअप होने वाला है, तो ऑफकोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्थ इट है। तो आप लोग नेगेटिव साइड भी मैंने बता दिया, पॉजिटिव साइड भी मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग डिसाइड करो यार आप लोग आ रहे हो कि नहीं। और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ का कन्वर्सेशन, आपका पैशन, आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैशन, आप लोग यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए बढ़ रहे हो, आपका एलुमनाई स्ट्रॉन्ग होता है, आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत अच्छा होगा, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, आपका एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा होगा, आप लोग फ्यूचर स्टडीज में भी आपका हेल्प करेगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वर्थ इट यार। फोकस करो कि आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओ, लेकिन हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के बाद जंग खत्म नहीं होती है, जंग असली चालू होती है।
सो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग ये सारे पॉइंट्स पे काम करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।